गाइस, आज हम पढ़ेंगे जो अंग्रेजी का जो वो ईवीएस का जो वो है पहला लेसन। पहला लेसन आज वो पढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स सोर्स जो बीन्स के जो वो जहाँ से वो चढ़ते हैं प्लांट्स जब चढ़ते हैं उनको बोलते हैं सोर्स। कोई चीज निकलती है उसको बोलते हैं सोर्स। नीड्स नीड्स का मतलब है जरा जरूरत यानी मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो उसको मुझे बोलना है प्लीज गिव मी नीड्स। नहीं नीड्स नहीं उसको हम बोलेंगे आई नीड दिस। मुझे कप की जरूरत है तो आई नीड कप। ठीक है ओके। और फूड फूड का जो मतलब है वो है गुज़ा खाना खाना गुड। हाँ कॉटन का जो मतलब है वो है जो कॉटन का कपड़ा है वो ही जो बेड के ऊन से बनता है उसको बोलते हैं कॉटन। वूलन जो वूलन होता है जो वूल के कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं वूलन। वो भी ऊन होता है लेकिन वो दरख्तों से बनता है। स्पाइसेस का मतलब जो सब्जी में हम डालते हैं मसाला जो सब्जी में हम डालते हैं मसाला। करेलस करेलस का मतलब है गल्ला या अनाज जो करेलस का मीनिंग है गल्ला या अनाज। डाइट का मीनिंग है गुज़ा जो हम खाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट होता है जो दूध से बनता है। यान को कहते हैं धागा जो कॉटन होते हैं। हाँ, उसको जो हम रस्सी बनाते हैं तो है वो जो निट है ना निट धागा से बनता है निट धागा से बनता है। हाँ, मगर मना हुआ धागा जिसमें ना वो एक बाल जैसी बनती है उसको बोलते हैं वो ही बांधना। हाँ सिलिकॉन जो सिलिकॉन होती है उसको बोलते हैं कीड़ा जो पल्सेस होते हैं उनको बोलते हैं डाले। जो सिलिक होता है उसको बोलते हैं वो सिलिक ही होता है ना वो उससे कपड़ा बनता है। कपड़ा को क्लोथ से बनता है कपड़े को बोलते हैं। आज फिर हम दूसरे पेज पढ़ेंगे। आंसर दिस डिफाइन डाइट आंसर द फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आवर डाइट। क्वेश्चन नंबर टू वेयर डू यू गेट फूड फ्रॉम वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या मतलब है डाइट का जो हमने पहले ऊपर डाइट बोला डिफाइन डाइट यानी डाइट को बताओ क्या है तो क्या है डाइट होता है गुज़ा जो खाना खाते हैं। तो आपने कैसे इसको डिफाइन किया द फूड वी ईट द फूड मतलब जो खाना वी ईट हम खाते हैं एवरीडे हम दिन भर दिन खाते हैं वो इज कॉल्ड डाइट उसी को बोलते हैं गुज़ा उसी को हम डाइट कहते हैं। गुड क्वेश्चन नंबर टू वेयर डू यू गेट फूड फ्रॉम मतलब क्या है इसका तुम कहाँ से फूड हासिल करते हो आंसर वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हम फूड वहाँ से हम फूड लाते हैं प्लांट्स एंड ये एनिमल्स से जानवरों से और प्लांट्स से हाँ पेड़ पौधों से हम खाना लाते हैं। गुड क्वेश्चन नंबर वन व्हाट आर फूड मेड फ्रॉम मिल्क कर्ड आंसर
वो कौन सा फूड है जो हम मिल्क जो वो मिल्क से बनता है? गुड आंसर, फूड मेड अप ऑफ मिल्क एंड मिल्क आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। जो फूड है वो आता है मिल्क से, मगर वो डेयरी प्रोडक्ट है, गुजर का प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट उनको कहते हैं। गुड, हम तीसरा पेज पढ़ेंगे। हाँ, लिस्ट टू डेयरी फूड्स। आंसर, द टू डेयरी फूड्स आर बटर एंड कर्ड। क्या मतलब? जो लिस्ट में दो डेयरी फूड हैं वो लिख के दीजिए। ठीक। आंसर, द टू डेयरी फूड आर बटर एंड कर्ड। क्या मतलब? जो डेयरी फूड्स हैं वो बटर एंड कर्ड है। लिस्ट देयर फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। आंसर, जो लिस्ट में तीन फूड हैं कम फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से आते हैं। मतलब तीन चीजों का लिस्ट दे दीजिए उन फूड्स का जो प्लांट से हम निकालते हैं। थ्री फूड्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स आर जो तीन गुजा हैं जो प्लांट से आते हैं, जो आते हैं प्लांट से, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे दरख्तों से, उनको बोलते हैं पल्सेस करेलस स्पाइसेस। पल्सेस क्या होता है? पल्सेस होता है दालें, करेलस होता है अनाज, स्पाइसेस होता है मसाले। लिस्ट थ्री फूड्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। लिस्ट में तीन फूड हैं जो एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स से। तीन फूड्स का लिस्ट बनाइए जो एनिमल्स से आते हैं। आंसर, थ्री फूड्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स आर तीन फूड जो एनिमल्स से आते हैं। मिल्क, एग, मीट। मिल्क का क्या होता है मतलब? मिल्क मतलब होता है दूध, एग मतलब होता है अंडा, मीट का मतलब होता है गोश्त। गोश्त हम खाते हैं, ईद पर खाते हैं। डिक्टेशन टेस्ट। अब आपके लिए क्या करना है, एक पेन लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ मैडम ने लिखा है सोर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ये आपने इधर लिखना है। सोर्स में बोलूंगा, आपने इसको देखना नहीं है, जबानी लिखना है, देखना कि आपकी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ले बेटा पेन। लिखो सोर्स, मैं इस पर हाथ रखता हूँ। इधर थोड़ा ऊपर, इधर। कहाँ पे गलत हो गया? एस नहीं, हाँ एक तो एस पी गलत है गए, और यू आपने ठीक से नहीं लिखा। अच्छा नहीं, इस तरह से नहीं लिखते हैं यू। ठीक है बेटा, देखो मैं लिखाता हूँ, ठहरो जरा, यहाँ पे लिखो। ये भी पहले एक बार देखो सोर्स, एस ओ यू, यू देखो कैसे लिखते हैं, फिर आर अलग, फिर सी और ई, देखो ऐसे यहाँ S O U R C E हो गया सर। दूसरा है स्पाइसेस, पहले पहले एक बार पढ़ो। S P I C E S। हाँ, अब इस पे हाथ रखता हूँ, खुद लिखो, थोड़ा सोर्स के नीचे लिखो। S नहीं नहीं ज्यादा नीचे मत जाओ, थोड़ा ऊपर लिखो। हाँ, स्पाइसेस S P। हाँ, S P I C E S spices। Good। Next है fruits। F R U I T S। Good लिखो। F F गलत हो गया। F थोड़ा यहाँ लिखो आगे थोड़ा।
यहाँ तो जगह खाली है. एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स. नेक्स्ट क्या है? वेजिटेबल. VEGETABLES. यहाँ पे लिखो वेजिटेबल. जल्दी लिखो. इधर यहाँ लिखो. इधर थोड़ा ऊपर. वी बे यार मैंने W लिखा. लिखो जल्दी जल्दी. वी इधर लिखो. वी ई जी ई टी ए बी एल एल ई एस टेबल. ठीक थैंक यू. जब एक बज का तो इसको बाद में लिखेंगे. ठीक है.